हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केम एफिनिटी। तो आज हम जानेंगे आईआईटी जेम के थ्रू आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन लेने के बाद कोई स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता, वही हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम ये चैनल पर नया हो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं आईआईटीज और एनआईटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम सभी के लिए होता है, मतलब इंजीनियरिंग वालों और जनरल साइंस, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो गेट के थ्रू वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, उन लोगों को स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। हम लोगों का मतलब जो जनरल स्टडीज में आता है, सॉरी जनरल साइंस में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों, उसको सेमेस्टर फी भी बहुत ज़्यादा होता है जनरल यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। हमारा आईआईटीज और एनआईटीज में मान लो तुम 20 से 30 के अंदर 30,000 पर सेमेस्टर पड़ जाता है हॉस्टल और मेस छोड़ के। ठीक है, ये ओनली सेमेस्टर फीस है। तो तुम सोच सकते हो कितना अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है जनरल यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। तो बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट था कि आईआईटी मिल गया, एनआईटी मिल गया तो हम लोगों को स्टाइफंड भी मिल गया, एक भ्रम था जो क्लियर कर लो। तो एक बात क्लियर हो गया कि कोई भी स्टाइफंड नहीं मिलेगा। और आते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप, अगर तुम जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ पर कोई स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है एमएससी स्टूडेंट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, और अगर तुम वही स्टेट में आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ रहे हो तो तुम वो स्कॉलरशिप पा सकते हो। लेकिन अगर तुम उस स्टेट से बाहर कोई आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ रहे हो तो तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और जो वेस्ट बंगाल में ही रह के आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ेगा वही इसके लिए एलिजिबल है। जैसे एक आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर, और दो एनआईटी, एनआईटी नहीं, एक एनआईटी दुर्गापुर है और आईएसटी शिवपुर है, वहाँ पर ही पढ़ोगे तो तुम उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर तुम बाहर कौन सा भी आईआईटी और एनआईटी में पढ़े हो तो उसके लिए तुम भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान में ही है, मैं वो स्कॉलरशिप का नाम भूल गया, ऐसे ही सेम हर स्टेट में सेम होगा। अगर तुम्हारा स्टेट में कोई भी स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मतलब अवेलेबल है, अगर तुम वही स्टेट में पढ़ रहे हो कौन सा भी आईआईटीज और एनआईटीज में, तब तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर तुम दूसरे स्टेट में कर रहे हो तो तुमको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, यही था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और थैंक यू।